तो हम देखते हैं कि गोकू की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि वो मल्टीपल मिरर रिफ्लेक्सेस बना रहा है। जहाँ पर वो मल्टीपल बनाता है और हंसने लगता है, तभी वो कोरिन को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कोरिन अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से, जो कि मिरर रिफ्लेक्सेस है, उसकी मदद से गोकू को चकमा देने लग जाता है। जहाँ पर गोकू को सिर पे चोट भी आ चुकी है। अब सिर पर चोट लगने की वजह से यहाँ पर गोकू भी थक चुका है। जहाँ गोकू कहता है कि ठीक है हमें सोना चाहिए। तभी यहाँ कोरिन नीचे आता है, फिर गोकू भी नीचे आता है भागते हुए कि वो उसे पकड़ पाए। लेकिन नीचे आने के बाद गोकू थक चुका है, जो कि जमीन पे बैठ के लेट जाता है। जहाँ पर गोकू को याद आता है कि मैंने तो कल से खाना ही नहीं खाया है। जहाँ वो इस कोरिन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास खाना है? तब कोरिन को याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो 5 साल हो गए, मैं तो खाना खाया ही नहीं। इधर हम देखते हैं गोकू सो चुका है, क्योंकि उसको भूख लग गई थी, ऊपर से थक भी गया था इस वजह से। जहाँ पर कोरिन उठता है और खाना बनाने लगता है, जो कि इतना मजेदार खाना बनाता है और गोकू को आवाज देता है कि गोकू खाना रेडी है, तुम जल्दी आओ। जहाँ पर गोकू